हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पपाया यानी पपीता। यहाँ पे मैं दोस्तों पक्का पपीता ली हूँ। दोस्तों पक्का हुआ जो पपीता रहता है वो बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ ही साथ बहुत सारा मेडिसिन जैसे कि स्किन प्रोडक्ट जो मेडिसिन बनता है उसको बनाने के लिए भी पक्का पपीता का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे पपीता छिलका निकाल के उसका स्लाइस कर ली। दोस्तों आज मैं पपीते के ऊपर 7 टिप्स दिखाऊंगी, इसको आप कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, किस किस प्रॉब्लम के लिए ये फायदा देगा आपको, इसके बारे में डिटेल्स में मैं दिखाऊंगी आपको। दोस्तों पपीते में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट रहता है, विटामिन ई रहता है, विटामिन सी रहता है, विटामिन ए रहता है और विटामिन बी रहता है। दोस्तों उसके साथ ही साथ इसमें मिनरल मैग्नीशियम पोटेशियम रहता है। ये सभी दोस्तों हम लोगों का हेल्थ के लिए तो फायदा देता ही है, उसके साथ ही साथ ये हम लोगों का स्किन को और भी बेहतर बनाने के लिए, स्किन का हेल्थ के लिए ये फायदा देता है। चलिए देख लेते हैं मेरा पहला टिप्स। पिंपल और एक्ने जिनको है उनके लिए दोस्तों पपाया बहुत अच्छा है। पपीता दोस्तों, पपीता को आप काट लीजिए, काट के उसका छिलका निकाल लीजिए। छिलका निकाल के ये देखिए मैं जैसे थोड़ा छोटा छोटा स्लाइस करके रखी हूँ, ऐसा स्लाइस आपको कर लेना है। फिर इस स्लाइस को जहाँ जिस पोर्शन इसका नरम है अंदर का पोर्शन, उसको आपको जहाँ पे भी आपका एक्ने या पिंपल आया है वहाँ पे इसको 5 मिनट आपको रफ करना है, धीरे से हल्का प्रेशर देके आपको इसको रफ करना है। रफ करने के बाद और 5 मिनट रख देना है, ऐसे टोटल 10 मिनट इसको आपको रखना है। 5 मिनट रब करके और 5 मिनट रख के फिर इसके बाद आपको गुनगुना पानी से इसको धो लेना है। ऐसा दोस्तों आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपका एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टिप्स है स्किन लाइटनिंग के लिए पपीते का इस्तेमाल। इसके लिए दोस्तों आपको पपीता का पेस्ट लेना है। इसके लिए आपको ऐसे मैं जैसे घिस रही हूँ ऐसे आपको पपीता को घिस लेना है, उसको छील के उसका अंदर का पल्प निकालने के लिए पहले आप घिस लीजिए। घिस के उसका पपीता का जो पल्प है उसको निकाल लीजिए। इस पल्प से ही एक पैक बनेगा। इसके बाद जो भी मैं पैक दिखाऊंगी सभी ऐसे आपको पल्प निकाल के उसको इस्तेमाल करके ही आपको ये सब पैक बनाना है। चलिए मेरा नेक्स्ट ब्यूटी टिप्स मैं दिखाती हूँ स्किन लाइटिंग के लिए। ये पपीता का पेस्ट चाहिए आपको। इसके लिए दोस्तों आपको लेमन का जूस लेना है, वो मैं निकाल के रखी हूँ ये, और पपीता का पेस्ट लेना है। आप 1 चम्मच पपीता का पेस्ट लीजिए, उसके साथ दोस्तों आपको 4 ड्रॉप्स लेमन जूस लेना है, मिक्स करना है लेमन जूस 4 ड्रॉप्स। ये मैं आपको बना के मेरे हाथ में लगा के आपको दिखाती हूँ। ये पैक बहुत अच्छा है स्किन लाइटनिंग के लिए। ये देखिए 4 ड्रॉप्स अब गिन लीजिए, 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच में आपको डालना है। इन दोनों को आप एक साथ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, अपने हाथ से मिक्स कीजिए या चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अभी आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए, तुरंत लगा के आपको ये अच्छी तरह लगाना है पूरा चेहरे में। लगाने के बाद आपको इसको 20 मिनट रखना है। 20 मिनट रखने के बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं दोस्तों, इससे आपका स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होते रहेगा। मेरा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों एंटी एजिंग फेस मास्क के लिए। ये पपाया का पेस्ट लेना है आपको, पपाया का पेस्ट है ही ये मास्क बनेगा दोस्तों। इसके लिए आपको पपाया का पेस्ट और लेना है हनी और लेना है आपको मिल्क। इन तीनों को मिला के दोस्तों आपको एक पैक बनाना है। इस पैक बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों एंटी एजिंग का काम करता है। इसके लिए आपको 4 चम्मच, ये मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ दोस्तों, ये आप लिख लीजिए, 4 चम्मच आपको पपाया का पेस्ट लेना है। उसमें आपको हनी लेना है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच आपको हनी लेना है और मिल्क लेना है दोस्तों 1 चम्मच। इन तीनों को एक साथ आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप अपने चेहरे पे लगा के रखिए 20 मिनट। 20 मिनट बाद आपको इसको कोल्ड वाटर से धो लेना है।
ऐसा आपको हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करना है दोस्तों। हर हफ्ता आप एक दिन करके इसको इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग फेस मास्क है। जिनका भी दोस्तों 30+ एज हो गया है उनके लिए ये मास्क बहुत अच्छा है दोस्तों। हर 30+ लेडीज के लिए मैं बोल रही हूँ, इसको आप हफ्ते में एक बार ट्राई कीजिए। इससे दोस्तों आपका जो एज बढ़ता हुआ एज से जो इफेक्ट आता है चेहरे में वो ये जल्दी से नहीं आने देगा। मेरा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों ऑयली स्किन के लिए फेस पैक पपीता से। इसके लिए दोस्तों आपको पपीता लेना है और मुल्तानी मिट्टी लेना है। एक कोई भी कंपनी का आप मुल्तानी मिट्टी का डस्ट ले लीजिए। इन दोनों को मिला के एक पैक बनाइए। आप एक चम्मच पपीता का पेस्ट लीजिएगा तो एक चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके थोड़ा पानी लीजिए, मिक्स कर लीजिए। जब ये ठीक पेस्ट बन जाएगा तब इसको आप अपना चेहरे पे अप्लाई कीजिए। इसको लगा के आप 15 मिनट रखिए। 15 मिनट बाद इसको गुनगुना पानी से धो लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। इससे दोस्तों जिनका भी ऑयली स्किन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो इसको इस्तेमाल करके आपका स्किन बहुत बेहतर हो जाएगा। ऑयलीनेस आपका स्किन से निकल जाएगा और आपको एक नॉर्मल स्किन मिलेगा। मेरा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों स्किन रैशेस के लिए पपीता का इस्तेमाल। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है पपीता का पेस्ट और लेना है एलोवेरा जेल। कोई भी कंपनी का आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इन दोनों को आप मिक्स करके जहाँ पे भी आपका रैश आया है वहाँ पे इसको लगा के रखिए। बहुत अच्छा पैक बनता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको एक चम्मच लेना है पपीता का पेस्ट और एलोवेरा जेल या एलोवेरा का पत्ता से जो 100% प्योर एलोवेरा जेल निकलता है उसको भी आप ले सकते हैं। एक चम्मच लेना है। इन दोनों को आपको एक साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जहाँ पे भी आपका रैश आया है वहाँ पे इसको लगा के रखिए 15 मिनट। 15 मिनट बाद इसको कोल्ड वाटर से धो लीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपका रैश बहुत कम हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट टिप है दोस्तों ग्लोइंग स्किन पाने के लिए पपीता का इस्तेमाल। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है हनी और पपीता का पेस्ट। इन दोनों को मिक्स करके दोस्तों जो पैक बनता है इससे दोस्तों आपको बहुत अच्छा एक ग्लोइंग स्किन मिल सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 2 चम्मच पपीता का पेस्ट और 1 चम्मच हनी। इन दोनों को आप एक अच्छी तरह मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे लगा के इसको रख दीजिए 25 मिनट। 25 मिनट बाद दोस्तों इसको नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। ऐसा दोस्तों आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा ग्लोइंग स्किन मिलेगा। मेरा नेक्स्ट टिप है दोस्तों कोई भी डार्क स्पॉट घटाने के लिए, कोई भी स्पॉट आपको आया है स्किन में तो उसको घटाने के लिए पपीता का इस्तेमाल। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 1 खीरा और लेना है पपीता का पेस्ट और लेना है हनी। दोस्तों पपीता का पेस्ट यहाँ पे आपको 2 चम्मच लेना है और लेना है आपको 1 चम्मच हनी और खीरा। दोस्तों खीरे को भी आप जैसे मैंने पपीता का पेस्ट निकाला है ऐसे घिस के आपको पेस्ट निकालना है। उसको भी आपको 1 चम्मच लेना है। इन तीनों को एक साथ मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद एक पैक बनेगा। उस पैक को आपका जहाँ पे भी स्पॉट आया है, कोई भी स्पॉट जैसे कि दोस्तों एक्ने का स्पॉट या आप कोई ब्राउन स्पॉट, डार्क स्पॉट, एल्बो में जो स्पॉट आता है वो स्पॉट, कोई भी तरह का स्पॉट आया है तो वहाँ पे इसको लगा के रखिए 30 मिनट। 30 मिनट लगाने के बाद इसको आप गुनगुना पानी से धो लीजिए। दोस्तों आप इसको हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ओके थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, टेक केयर।